सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया तरीका जिससे आप अपनी ट्रांजिशन वीडियो को एकदम परफेक्ट और स्मूथ बना सकते हो। पहले आपको क्या करना पड़ता था, पहले आप क्या करते थे, नॉर्मल कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करते थे, उसके बाद उसको काइन मास्टर या फिर पावर डायरेक्टर, आप जो भी एडिटिंग ऐप यूज करते हो उसमें आप ले आते थे, उसके बाद उसको ट्रिम करते थे, ट्रिम करने के बाद उसमें साउंड अलग से ऐड करते थे, तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता था। पर आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी मतलब ट्रांजिशन वीडियो को एकदम अच्छी बना सकते हो, स्मूथ बना सकते हो, और यहाँ पे आपको ज़्यादा माथापच्ची भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चलो चलते हैं यहाँ पे अपन मोबाइल की स्क्रीन पे और सीखते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन वीडियो बनाना। और एक बात और, वीडियो को आप पूरी लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, अगर आप स्किप करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलो चलते हैं यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे और सीखते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन। तो गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या, आपको योर स्टोरी पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या, आपको यहाँ पर रील्स का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि हमको रील्स पर बनानी है वीडियो, तो हम रील्स पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या, आपको यहाँ पर साउंड को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद में यहाँ पर हम वीडियो को मतलब रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉन्ग पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉन्ग मिल जाएंगे, जिस भी सॉन्ग पे आप बनाना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर लेना, या फिर आप यहाँ से ब्राउज फीचर से भी आप ले सकते हो अपने ब्राउज़र से, जो भी आपके गैलरी में होंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो यहाँ पर आपको क्या करना, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल में जाना या फिर रील्स वाली वीडियो में जाना, तो आपको जो भी वीडियो पसंद आती है वो वाला साउंड आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं साउंड जैसे तो यहाँ पे मैं साउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वाला साउंड को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूज़ ऑडियो लिखा रहा है, तो यहाँ पे आप यूज़ ऑडियो कर देना। यूज़ ऑडियो करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या, अब यहाँ पे आपको वीडियो को रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे आप करना क्या, सबसे पहले आप टाइमर पे क्लिक करना, और टाइमर पे क्लिक करने के बाद आपको साउंड को आपको सुन लेना है कि आपको कहाँ तक आपको पहला ट्रांजिशन रखना है और फिर दूसरा ट्रांजिशन आपको कहाँ से लेना है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसको 6 सेकंड तक ले लेता हूँ, ठीक है, 6 सेकंड तक ले लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे सेट कर देंगे इसको बाद में। तो यहाँ पे हम सेट टाइमर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप इफ़ेक्ट लेना चाहते हो तो इफ़ेक्ट भी ले सकते हो, आपको जो भी इफेक्ट पसंद है वो आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इफेक्ट को नॉर्मली रहने देता हूँ, उसके बाद हम टाइमर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 6 सेकंड तक कर लेंगे इसको पहले। 6 सेकंड पे करने के बाद सेट टाइमर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम एक्टिंग करेंगे यहाँ पे हमको पहला ट्रांजिशन कैसे करना है। आप यहाँ पे कोई सा भी ट्रांजिशन कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक्टिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पहला ट्रांजिशन ऐसा किया। उसके बाद हम करेंगे कि यहाँ पे हम कपड़े को चेंज कर लेंगे, तो चलो मैं कपड़े को चेंज कर लेता हूँ पहले। तो कपड़े को चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको करना है कि आपको एक काम करना है, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रिम वाला आइकन दिख रहा होगा, तो ट्रिम वाला आइकन पर क्लिक करना और इसको लास्ट में से आपको ट्रिम करना है, लास्ट वाला पार्ट है, आपको इतना ट्रिम कर देना है जैसे आप कपड़े को मतलब हाथ में लेके खींचते हो ना, ये यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर ट्रिम का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऊपर ट्रिम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ऊपर ट्रिम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना है, आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब डन पे क्लिक करने के बाद हमने पहले वाली वीडियो को ट्रिम कर लिया, अब सेकंड वाली में हम क्या करेंगे, सेकंड ट्रांजिशन करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम पहले वाले कपड़े को लेंगे और लेने के बाद हमने किया गया था ऐसे किया था, तो इसको हम शर्ट को यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर हम पहले टाइमर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइमर कितना भी रख लेंगे, यहाँ पे हम इतना रख लेते हैं, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। सेट टाइमर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, को ऐसे रखना है इसको और आपको शर्ट को ऐसे खींचना है, ठीक है, टाइम स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको जल्दी में कर लिया, आप आराम से करना, एकदम मतलब परफेक्ट करना। अगर आपके यहाँ पे गलती होती है तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो अगर आपके गलती होती है तो। उसके बाद हमको यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी ट्रिम करना है, तो यहाँ पर हम क्या, इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम ट्रिम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम ट्रिम करेंगे।
इसको हम यहाँ से ट्रिम कर लेंगे जहाँ से हम खींचते हैं यहाँ पर से, और उसके बाद सेकंड वाला ट्रांजिशन में हमने कपड़े को ऐसे आगे लाए थे तो यहाँ पे हम इसको ट्रिम कर लेंगे। उसके बाद ट्रिम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा दो दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मैं आपको चला के बता देता हूँ, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक, तो एकदम परफेक्ट बना है। अब यहाँ पे हमको थर्ड वाला ट्रांजिशन करना है, तो हमको कपड़े को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं कपड़े को चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड वाले पार्ट को कंप्लीट करना है, तो हमने क्या किया था, कपड़े को ऐसे आगे लाए थे, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे क्या, ऐसे कपड़े को आगे लाने के बाद यूँ कर देंगे, और उसके बाद में ऐसे कपड़े को फेंक के यूँ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा ट्रांजिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टाइमर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से टाइमर जितना चाहे उतना रख लेंगे, फिर बाद में ट्रिम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेट टाइम करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम कपड़े को यूँ करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ट्रिम करेंगे, तो इसको पहले हम इस पे क्लिक करेंगे, जहाँ से हम ट्रिम करेंगे इसको, जहाँ से हम कपड़े को हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, जहाँ से हम इसे हाथ को बीच में लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने तीन पार्ट कर लिया। अभी हमको लास्ट वाला पार्ट करना है, बहुत ही सिंपल है, यूं करके बस एक्टिंग कर लेनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम कपड़े को चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमको लास्ट वाला पार्ट करना है। अगर आपको स्लो फास्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, स्लो फास्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइमर आपको दे रखा है, तो आप इससे स्लो फास्ट अपनी वीडियो को कर सकते हो। तो यहाँ पे हम नॉर्मली करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे टाइमर पे क्लिक करेंगे और लास्ट वाला पार्ट शूट करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइमर पे क्लिक करके इसको पूरी रहने देंगे और सेट टाइम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमको लास्ट वाला पार्ट ये ऐसे करना है हमको, ठीक है, और हमको एक्टिंग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको बैक जाना है, और यहाँ पे हमको जो लास्ट वाला पार्ट है उसको ट्रिम करना है बस। तो यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे चारों पार्ट को हमने ट्रिम कर दिया है। उसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वीडियो को देखेंगे, तो आप वीडियो को देखना एकदम अच्छी बनेगी, और एकदम हमारे कोई मतलब कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट वीडियो बनी है। यहाँ पे हमको काइन मास्टर की जरूरत भी नहीं पड़ी। यहाँ पे साउंड भी हमारा पूरा एडजस्ट हो चुका है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आप आराम से यहाँ पे वीडियो को बना सकते हो एकदम परफेक्ट और स्मूथ। बस आपको ट्रिम करने का काम है और एक्टिंग करने का काम है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी पसंद आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको या तो आप इसको सेव कर सकते हो गैलरी में, या फिर आप डायरेक्ट इसको पोस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छी बनी है हमारी वीडियो। तो यहाँ पे आपको बस इस पे क्लिक करना है, या तो आप ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कवर सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपको कवर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे आप कैप्शन लिख देना। कैप्शन लिखने के बाद या तो आप ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हो डायरेक्टली। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो का एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।